सो प्लीज एज अ स्टूडेंट प्लीज मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, नो योर ड्यूटी. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ड्यूटी समझिए यार क्या है. मैं रोज आपको ज्ञान इसी चीज पे दूंगा, बट आई वुड ऑलवेज लाइक कि यू नो, जैसे एज अ टीचर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले आपको पढ़ा दूं, देन रिवीजन करवा दूं, सब चीजें करवा दूं, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी. मैंने इसके लिए क्या लिया आपसे. और सबसे बड़ी टीचिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज है, कि टीचर अपने टीचर को पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है, क्योंकि टीचर को पता है अगर टीचर ने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो टीचर का बदनाम होने में टाइम नहीं लगता. बट मैं हमेशा आप स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलूंगा, नो योर ड्यूटी. सबसे इंपॉर्टेंट केवाईसी होता है, वैसे ही अपन बनाएंगे केवाईडी. नाउ व्हाट्स योर ड्यूटी आपकी, क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं. लोग, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने ना साल भर पढ़ाई नहीं करी और सर मैं एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ लूंगी तो पास हो जाऊंगी, या पढ़ लूंगा तो पास हो जाऊंगा. आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पे जब भी लाइव आता हूँ, कम से कम 20 से 25 लोग मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि सर ऐसा है तो क्या करने का. और मैं हमेशा गालियां, मन में तो इच्छा होती है गालियां दूं, बट स्टिल मैं उनको कंसोल करता हूं कि नहीं यार बेटा आप पास हो जाओगे. बट बच्चों क्यों आपने ऐसी स्थिति आने क्यों दी. अब मैंने आपसे पैसे लिए सिलेबस खत्म कराने के, 6 महीने में सिलेबस खत्म कराऊंगा मैं, एक छोटा सा एग्जांपल है. मैंने 5 महीने कुछ नहीं पढ़ाया, आखिरी के 1 महीने मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, क्या पास हो जाओगे. मुझे खाना खाना है, मैंने 18 दिन तक खाना नहीं खाया, 19वें दिन एक साथ पूरा 18 दिन का खाना खा लिया, मैं मर जाऊंगा बच्चों, 19वें दिन तो शायद मैं जिंदा ही ना बचूं. सो जस्ट रिमेंबर बच्चों व्हाट योर ड्यूटी इज. बच्चों स्पेशली आप सब लोग मेरे ख्याल से दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो सबसे पहली चीज है बच्चों रेगुलरली, ताकि वो टाइम ना आए. कौन सा टाइम ना आए. और बच्चों ये रिचुअल है, ये इसमें एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, यू नो देयर शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन टू इट. दिस इज द रिचुअल दैट यू नीड टू फॉलो एवरी डे, कि जब तक मेरा ये नहीं होगा मैं सोने वाला नहीं हूं. मेरा जिम एक दिन मैं बंद था, एक सैटरडे को नहीं गया, संडे को नहीं गया, मंडे को जाना था, मंडे को भी सुबह नहीं उठ पाया मैं, रात को 9 बजे रोड पे निकल गया दौड़ने के लिए, बिकॉज दीज आर माई रिचुअल्स. कल मेरी एक मीटिंग थी, कल रात को एक मीटिंग थी, देयर वाज अ मीटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग वाज देयर फॉर मी. तो मैं, मुझे पता था मैं रात को पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, रात को नोट्स अपडेट नहीं कर पाऊंगा. मैं क्या किया, मैं घर गया, मैंने चाय पिया और मैं सीधे नोट्स बनाने बैठ गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो बच्चों रिचुअल्स हैं, जब तक इन रिचुअल्स को आप क्या ना करें, खत्म ना करें. आपको वेब सीरीज नहीं देखनी है, आपको इंस्टाग्राम, कसम खाओ कि जब तक साला, तो सबसे पहले तो रेगुलरली रिवाइज करना है आपको वट एवर इज टॉट इन द क्लास. नंबर 2 मोबाइल. इवन इफ यू आर इन द क्लास, आप क्लास में हैं, क्लास के बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, आप सुबह उठते साथ कसम खाइए कि जब तक मेरे 10 आवर्स इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं होगी, मैं इंस्टाग्राम, मैं टेलीग्राम, मैं व्हाट्सएप, इन सारी चीजों. अब देखिए व्हाट्सएप आपको फैमिली की रिक्वायरमेंट के लग सकता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, अपन एक बार व्हाट्सएप में जाते हैं तो आप अपने माता पिता या जिन जो भी आपके क्लोज है, सोना बाबू या कोई भी जो आपकी चिंता करते हैं, उनको आप बोलिए कि पापा प्लीज मुझे अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती जस्ट गिव मी अ कॉल, बिकॉज व्हाट्सएप विल अननेसेसरी वेस्ट माई टाइम. और बच्चों अपने को पता नहीं होता, फिर अमेजोन. तो बच्चों ये सारी चीजें, फिर अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें बच्चों अपने को मतलब इंटेलेक्चुअली किल कर रही है. सो फर्स्ट डे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड इज कि जब तक मेरा आज 10 आवर्स का क्या नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा, मोबाइल टच नहीं होगा. क्लास में जो भी पढ़ाया है रिवाइज करो. और हम तो ऐसा करते थे जब हम स्टूडेंट थे, तो क्लास में जो पढ़ाया जाने वाला होता था हम उसको भी देख के जाते थे, तुम मत करो चलेगा. ठीक है, आज के टाइम पे आपके टीचर्स बहुत मेहनत करते, सो यू डोंट डू दैट, बट कम से कम क्या करो, रिवाइज तो करो बच्चों. इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर गेटिंग फेल्ड इन एग्जाम. और डोंट चीट. एक दिन अगर क्लास बंक किया तो आपके कितने घंटे बर्बाद होते हैं आप ये सोच लेना. फिर कई लोग बोलते हैं नहीं मैं कल देख लूंगा, मैं सैटरडे को देख लूंगा, मैं संडे को देख लूंगा. इट्स डिफिकल्ट. इज दैट क्लियर. सो प्लीज बच्चों मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट 2 ही चीजें आप अगर अभी अपने क्लास के दौरान कर ले, रेगुलरली रिवाइज, प्लस आप अपने मोबाइल फोन को कसम खाइए कि 10 आवर्स के बाद ही में. और मम्मी पापा को क्या बोलिए, डायरेक्टली गिव मी अ कॉल.
आई पिक द कॉल, और इफ आई एम बिजी, इफ आई एम स्टडिंग, आई कट द कॉल एंड आई कॉल आफ्टरवर्ड. ठीक है, आपकी मम्मी लोग इंपेशेंट होते हैं, उनको डर लगता है, सो पिक द कॉल. बट बच्चों, क्योंकि मैं नहीं चाहता, साला वो एग्जाम आता है, बच्चों के मैसेज आना चालू होते हैं, मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊंगा तो आप पागल हो जाएंगे. सर पढ़ाई नहीं हो रही है, सर टूट गया हूं. अरे तू क्या प्लास्टिक है, टूट गया है. सर याद नहीं हो रहा है. साल भर मस्ती की है. कभी लाइक क्या आप कभी आके बोलते हो कि आज बाइक चलाना भूल गया हूं? नहीं बोलते, क्योंकि तुमने साल भर क्या किया, बाइक चलाया है. सो इफ यू स्टडी थ्रू आउट द ईयर, इफ यू स्टडी थ्रू आउट द ईयर यू विल. मैं जब स्टूडेंट था कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेरे को कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं क्या करता था, मैं स्टूडेंट था, मैंने सीएस प्रोफेशनल एक बार में क्लियर किया, सीएस एग्जीक्यूटिव फेल हुआ, लेकिन अगला अटेम्प्ट में मैंने एक बार में, क्योंकि मैंने पढ़ा, मेरा दिन कंप्लीट ही नहीं होता था जब तक मैं पढ़ाई ना करूं. तो ऐसा अनुशासन अगर आपने लाया ना बच्चों, तो मेरे हिसाब से आराम से क्लियर हो जाओगे, इट्स नॉट अ बिग डील. और मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे कॉम्पिटिटर में 90% लोग डामर ही हैं. 90% दिन भर यूट्यूब पे बकर चालू रहता है उनका, दिन भर ये टीचर का वो आया, ये टीचर का वो आया, उस चक्कर में कितना टाइम किल कर लेते हैं आपको पता ही नहीं है. और कई टीचर्स को ही मैं बोलूंगा, कई टीचर्स वो एग्जाम में साला, वो कोई तो टीचर है वो साला हर एक वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज. ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ऑप्ट आउट स्कीम आ गई. ये क्या ब्रेकिंग न्यूज है? तो ये, और फिर बच्चा एक वो देखता है, उसके नीचे चार वीडियो आते हैं, उसके नीचे एक पक्का वो वीडियो आएगा जिस सेक्शन में तुमको डाउट है. तो बच्चा प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आप वही बेयर एक्ट में पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ इट, एंड कोशिश कीजिए खुद से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन.